एवरीवन, क्या हाल चाल है यार सभी के। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमारे साथ शिबा दत्ता मिश्रा हैं, जो कि एक सिग्मा स्टार स्टूडेंट हैं और इस साल उन्होंने नीट फोड़ दिया है। बहुत ही शानदार मार्क्स आए हैं उनके और एक वो बहुत ही अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में जाने वाले हैं। आज हमारे साथ यार वो पूरी की पूरी जर्नी शेयर करेंगे। उन्होंने यार थर्ड बार ड्रॉप किया था और कैसे अपना मोटिवेशन हाई रखा पूरे साल, ये सारी जर्नी यार हमको वो बताने वाले हैं। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स कैसे प्रिपेयर करें उन्हें, वो सारी बातें यार वो हमारे साथ करने वाले हैं। तो हेलो शिवा दत्ता, कैसे हो यार? हेलो सर, अच्छा हूँ सर, फाइन। हाँ, तो एक बार यार आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपने इंडिविजुअल मार्क्स बता दीजिए कि आपके कौन से सब्जेक्ट्स में क्या मार्क्स आए हैं, टोटल मार्क्स कितने हैं, टोटल रैंक कितनी आई है, और आपने इस पूरे साल एक ओवरव्यू दे दीजिए कि कैसे प्रिपरेशन करी और कैसे अपना मोटिवेशन हाई रखा थर्ड टाइम ड्रॉप करने के बाद भी। यस सर, एक्चुअली मैं ओडिशा से हूँ और सिटी बलांगीर है सर। और ये मेरा सर थर्ड ड्रॉप था। मैंने फर्स्ट ड्रॉप में सर 472 मार्क्स लाए थे अच्छा। और मेरा रैंक सर कुछ 67,000 के आसपास था। तो सर क्योंकि फर्स्ट ड्रॉप था और मार्क भी मतलब ऐसा था कि मतलब हाँ और एक बार करते हैं फिर सेकंड ड्रॉप। फिर सर मैंने सेकंड ड्रॉप लिया था और उसमें मेरे 563 नंबर बन रहे थे सर। अच्छा और उसमें रैंक आई थी 40,450 समथिंग आए थे सर। ओके। और ओडिशा से मतलब सर मैं हूँ तो उसका कट ऑफ लास्ट ईयर 533 था सर। मैंने अच्छा 563 लाया था तो 30 मार्क्स ज्यादा था, फिर भी नहीं हुआ सर, तो बुरा लगा था बहुत। और अच्छा सोचा चलो एक बार और करते हैं फिर तो हो ही जाएगा सिलेक्शन। तो दिस वॉज माई थर्ड ड्रॉप। और इस साल लकीली सर मतलब आप सबसे पढ़ाई वढ़ाई करके अच्छे से मेहनत करूंगा एक बार और मेरे 656 मार्क्स बन रहे हैं सर। वेरी गुड और वेरी गुड, मेरा ऑल इंडिया रैंक है सर 3,084। ग्रेट। और इंडिविजुअल सब्जेक्ट में क्या मार्क्स रहे? ग्रेट, हाँ सर, इन फिजिक्स आई हैव स्कोर 139, इन केमिस्ट्री आई हैव स्कोर 162 एंड इन बायोलॉजी 355। बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। और केमिस्ट्री की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो इस बार पेपर थोड़ा सा ट्रिकी और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था। आई एम श्योर हाँ अगर वो सर, पेपर आपका मतलब थोड़ा सा जैसे 2020 जैसा अगर होता तो आप 170 के ऊपर जाते, बट हाँ सर, 162 केमिस्ट्री में ब्रिलियंट मार्क्स, फिजिक्स में ब्रिलियंट एंड केमिस्ट्री में 355, क्या बात है। तो आपने हाँ सर, मोटिवेशन कैसे हाई रखा अपना, जो थर्ड टाइम आपने ड्रॉप मारा उसके बाद भी मोटिवेशन आपने कैसे हाई रखा अपना? सर मेन रीजन थे मेरे पीछे ये मतलब मोटिवेशन हाई रखने के लिए मेरी फैमिली सर, और मेरे पापा मम्मी, एक मेरी एल्डर सिस्टर है। और सर क्या है ना कि मतलब 2 साल ड्रॉप ले चुके थे सर, एक बार और मतलब कर लेने से अगर अच्छा है कोई फ्यूचर तो बनता है सर। और एक बार हाँ कोई नहीं, 1 साल और कर लो फिर हो जाएगा अच्छे से। तो यही था मन में। और जब भी मतलब थोड़ा लो फील करता था तो फिर एक अच्छा सा मतलब गाना वाना सुन के या फिर कोई नहीं, मूवी वूवी देख लेता था सर, थोड़ा माइंड रिलैक्स करके फिर पढ़ाई में लग जाता था। छोटे छोटे ब्रेक्स डेफिनेटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यस सर, स्टूडेंट की जर्नी में। एकदम मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई हो तो बहुत ज्यादा प्रेशर हाँ क्रिएट हो जाता सर, है। तो छोटे छोटे नहीं छोटे होगा ब्रेक्स सर। लेने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेट। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की बात करते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री की ही बात करते हैं कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ी इस साल, पर्टिकुलरली आप लोगों ने कैसे कैसे पढ़ी? इस साल हाँ सर, सर केमिस्ट्री में सबसे पहले तो मैं आपका जो सिग्मा स्टार का बैच था उसका मैं स्टूडेंट हूँ सर। आपके जो लेक्चर्स आते थे डेली वो मैं सर रोज ही देखता था। और आपका जो मतलब आप जो कुछ भी मतलब बोलते थे मैं वो नोट डाउन करता था, फिर क्लास खत्म होने के बाद उससे पढ़ाई करता था, थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेता था। फिर जैसे ही मतलब लेक्चर कंप्लीट हुए फिर आप जो देते थे डीपीसी सारे वो सारे सॉल्व किया करता था, और पीवाईक्यू सारे जो 32 ईयर्स का था वो सॉल्व किया था, एंड चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मतलब मैंने ले रखा था वो दे रहा था सर। इतना ही बस, इतना किया ज्यादा कुछ था। एक्स्ट्रा नहीं करा सर। हाँ सर, नोट्स अपने हैंड रिटन बनाए थे, है हाँ सर, नोट्स अपने बनाए ना? वो काफी यही, हेल्प करते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, यही हम हर किसी बच्चे को यही गाइडेंस देते हैं कि भले ही हम अपने एंड से नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चे के असली नोट्स होते हैं वो उसके हैंड रिटन नोट्स ही होते हैं, राइट? तो हाँ आपने सर, लेक्चर्स यस देखे सर, सिग्मा स्टार के, वहां से पढ़ाई करी, वहां पे आपने डीपीपीज और प्रैक्टिस सेशन अटेंड करे और इतना सफिशियंट था आप लोग आपके 162 मार्क्स लाने के लिए, राइट? हाँ सर, हाँ ठीक ऑफ है कोर्स ठीक है। यस एंड फिजिक्स, फिजिक्स की हम बात करें तो फिजिक्स में भी आपके सर, काफी अच्छे फिजिक्स का मार्क्स भी रहे। ऐसा ही अप्रोच था सर। फिजिक्स में मतलब ऐसे ही था क्योंकि सेम दोनों अप्रोच फिजिक्स में, केमिस्ट्री लगभग सेम ही होते हैं ना सर, मतलब या ऐसे ही राइट करा राइट था।
बिल्कुल बिल्कुल। और अगर हम बायो की बात करें स्पेसिफिकली, तो बायो में आप हाँ लोग आपने बायो। हाँ सर, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनाई, कैसे पढ़ाई करी? सर बायो कैसे थे विपिन शर्मा सर, मेरे हिसाब से तो मतलब हमारे एज के लिए, हम जिस एज में हैं अभी सर, बायो में विपिन शर्मा सर से कोई अच्छा मिल ही नहीं सकता सर। वो बेस्ट है, एकदम बिल्कुल भगवान है वो तो। सर बिल्कुल वो जो पढ़ाते हैं ना, एक बार पढ़ा देते हैं फिर एनसीईआरटी एकदम टिकोड उनका आता है ना सीरीज, वो काफी सही है मतलब, एकदम एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक कॉमा, एक एक कंक्लूजन सारे सर अच्छे से करवा देते हैं सर। बिल्कुल वही उनका सर देखा करता था सर, जो बोलते थे ये करो वो मत करो ऐसे करो, सारा ही मान लेता था सर, आंख मूंछ के एकदम सारा ही मान लेता था। और वो मार्क्स में भी दिख रहा है, 355 मार्क्स, थ्री हाँ सिक्सटी सर, में नहीं से नहीं हाँ सर, मतलब मेरे को याद है, मतलब जब हमारे सर शुरू किए थे ना तो बोले थे अगर आप ये फॉलो कर लेते हो तो आपके नंबर 350 ऊपर से तो मतलब कम आएंगे ही नहीं, इतना तो आएगा ही मतलब, बिल्कुल इफ यू बिल्कुल बिल्कुल। फॉलो ऑनेस्टली। हाँ वो वाली बात है सर फिर। सिग्मा स्टार का हमारा पर्पस ही ये था, भले ही वो क्रैश कोर्स था, सिग्मा स्टार हमारा पहला क्रैश कोर्स था जो हमने 3 साढ़े 3 महीने के हाँ ड्यूरेशन में कंप्लीट करा, लेकिन हमारा पर्पस ही ये था कि उसमें इतना कंटेंट दे दिया जाए बच्चे को कि कंटेंट उसको बहुत था क्रैश सर। कोर्स नहीं लगे। नहीं नहीं बिल्कुल आप नहीं सर। और हाँ कोर्सेज देखोगे, क्रैश कोर्स में 2 ढाई 3 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर देते हैं। हम लोग हाँ वो लोग उड़ा देते जितना हैं। हाँ लगता था है ना, एकदम डीप में जाके 5 घंटे 6 घंटे, जी सर। ताकि हाँ बच्चा जो पढ़े अच्छे से पढ़े। तो हमारा यस सर। स्टार्टिंग से हाँ ही यही फोकस था, और यार वो मार्क्स में झलक रहा है जब आप लोगों के, तो इट्स वी आर रियली ग्रेटफुल फॉर दिस। हाँ तो अब चलो इंडिविजुअल सब्जेक्ट की बात कर ली आपने, इंडिविजुअल आपके बहुत हाँ अच्छे मार्क्स हाँ आए हैं, टोटल भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं। एग्जाम स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि जब आप मॉक टेस्ट देते थे तो आप क्या हाँ सर। स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे? मॉक टेस्ट में सर शुरू में तो वो पार्ट सिलेबस हुआ करते थे कि फिजिक्स के बिल्कुल इतने आएंगे, फिर बायो के, फिर केमिस्ट्री के। तो बिल्कुल जैसे मतलब एक बार पहले तो सर सबसे इंपोर्टेंट ये वाली बात है कि एक बार सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो मतलब हो जाना चाहिए, बिल्कुल उसके बाद ही मॉक टेस्ट में जाना चाहिए। जैसे कि एक बार सिलेबस कंप्लीट हो गया था सर, तो जैसे आते थे वो सारे पार्ट सिलेबस, वो मतलब रैपिडली एक बार रिवाइज कर लो फिर टेस्ट देने मतलब चले जाओ सीधा, ज्यादा मतलब टाइम उसमें मतलब हो कि हाँ नहीं हुआ है आधा हुआ है, एक बार कर लो फिर आगे चलो। जब मैं सर देता था टेस्ट तो जो वाले सवाल नहीं बन रहे थे या फिर जो नेगेटिव हो रहे थे मतलब उसपे ही ज्यादा स्ट्रेस दिया था सर मैंने, मतलब एनालिसिस उसी के ऊपर ही कर रहा था। फिर जैसे कोई सिली मिस्टेक हो गए उसका मैंने एक अलग सा मतलब कॉपी बनाया था, वहां पे लिखा करता था हाँ ये वाला सिली मिस्टेक है, फिर मतलब ऐसा वाला कि आगे नहीं करना है ऐसे वाला सिली मिस्टेक, वो वाला काफी मतलब वो वाली बात काफी हेल्प हुई थी सर टेस्ट तो के मतलब लिए। अगर टेक अवेज हम बताएं तो बेसिकली आपने एक सिली मिस्टेक की एक अलग कॉपी बना दी, उसमें कॉपी आप बनाई थी लोग आप सर, नोट करते जाएंगे कि क्या क्या सिली मिस्टेक कर रहे हो, और कोशिश करी कि वो दोबारा आप रिपीट नहीं करो, ना हो। हाँ राइट? सर, और क्योंकि जो सबसे भी बड़े एनिमी हाँ यही होते हैं सिली मिस्टेक्स से बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मतलब बहुत। 10 15 नंबर तो यही आपके नीट एग्जाम में ले हाँ सर, जाएगा। हाँ आराम से हो जाता है। और जो भी आपने टेस्ट दिया उसको एनालिसिस करा कि यार कहाँ पे हाँ गलती सर कर रहा हूँ, कौन सा मेरा वीक टॉपिक है, फिर उस पर यस काम सर। किया, राइट? नहीं, ये हाँ सर एनालिसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट देते रहते हैं। जो टेस्ट दो, भले ही टेस्ट की फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी कम कर दो, लेकिन जो टेस्ट दे रहे हो उसको देखो कि कहाँ पे क्वेश्चन गलत कर रहे हैं, कौन सा टॉपिक हम बार बार गलत करते जा रहे हैं, हाँ राइट? हाँ यस सर ये बहुत ही अच्छा। और नीट एग्जाम जब दे रहे थे तो कैसा रहा सर, एक्सपीरियंस? उसपे तो अलग ही लोड हो गया सर, अच्छा मतलब एक तो रहता है वो परफॉर्मेंस प्रेशर रहता है कि अच्छा करके बिल्कुल ही जाना है, अगर ये दिस इज सर ड्रॉप उसके बाद मतलब पता नहीं क्या है, फिर बिल्कुल बिल्कुल वो एक अलग सा होता है सर एक्स्ट्रा बर्डन सिर्फ। फिर इस बार का पेपर मतलब आउट ऑफ 180 मतलब इस बार तो 200 क्वेश्चन करने थे, करने नहीं थे लेकिन पढ़ने तो थे ना पढ़ने सर, तो थे तो बिल्कुल उसपे थोड़ा टाइम चला गया। मतलब मैं जब मॉक टेस्ट मतलब दिया करता था उसपे मतलब मेरे को बायो में 30 मिनट्स मैक्सिमम लगते थे। अच्छा मैंने मतलब जब ये अपना जो फाइनल एग्जाम मतलब दे रहा था उसपे मेरे को बायो में 55 मिनट्स लग गए सर, ओ तो उसमें थोड़ा मतलब नर्वस हो गया, अरे इतना टाइम बायो में चला गया, फिर अभी तो केमिस्ट्री फिजिक्स भी बाकी है। फिर भी सर मतलब थोड़ा बड़ा मतलब काम रह के। हाँ फिर ऐसा है ना सर कि जैसे मेरा अटेम्प्ट ऐसे रहता था, पहले बायो करो फिर उसका ओएमआर भर दो, फिर ओके केमिस्ट्री फिजिक्स करो फिर ओएमआर एंड देन सेम फॉर फिजिक्स। तो ओएमआर भरते भरते फिर थोड़ा मन को मतलब शांत किया, हाँ नहीं कोई बात नहीं, अगर मेरे लिए डिफिकल्ट सबके लिए ऐसा रहा होगा पेपर, तो वैसे ही थोड़ा मन को मना के सर फिर केमिस्ट्री के लिए तैयार करा, केमिस्ट्री भरा सर। ऐसे ही मतलब थोड़ा तो बहुत मतलब नर्वस हो ही जाते हैं सर। नहीं, वो हो ही जाते हैं, मॉक टेस्ट दे रहे यस हैं सर वो उसका अलग एनवायरनमेंट, और नीट एग्जाम तो उसका। एकदम हाँ फाइनल मैच हो गया हमारा, तो यस वहां सर तो फाइनल जीतना ही मैच। जीतना है, वो थोड़ा प्रेशर डेवलप हो जाता है। नहीं, बहुत अच्छे से यार आपने वहां पे अपने आप को रिलैक्स करा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, वरना क्या होता रिलैक्सिंग है, सर। अगर काम नहीं रहता है इंसान तो उधर ही वो लूज कर जाएगा हाँ सर चीजें। वो
वो मतलब लास्ट के 3 आवर्स ही सारी डिसाइड कर लेते हैं पूरे साल की मेहनत। ये तो है, ये तो है, 3 घंटे का शॉट है। नहीं यार, हाँ सर, बहुत ही शानदार मार्क्स लेके आए हो आप, 656 मार्क्स, ग्रेट ग्रेट। और एक फाइनल मैसेज क्या देना चाहोगे आप सभी जूनियर्स, इतने सारे जूनियर्स यार आपको देखेंगे, एक फाइनल मैसेज क्या रहेगा उनके लिए? सर मेरे तरफ से एकदम सबसे इम्पोर्टेंट वाला मैसेज यही है कि सर मतलब मेरे अपने मतलब जो जूनियर्स आने वाले हैं उनको यही बोलूंगा कि मतलब यार ऐसे करो कि मतलब जितना पढ़ा रहे हैं सर लोग वही काफी है एकदम, मतलब यू कैन ट्रस्ट देम ब्लाइंडली और कुछ करना ही नहीं है, यही है मतलब इससे ही होता है सिलेक्शन, होते आ रहा है, हो रहा है और आगे भी होएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ और कर लेते हैं, शायद कम पढ़ा रहे हैं कि हम खुद से कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होता कुछ। सर लोग जो पढ़ा रहे हैं उन लोग का एक्सपीरियंस है और वो लोग को पता है कि क्या करने से सिलेक्शन होता है क्योंकि वो करते आ रहे हैं सिलेक्शन, यही है भाई लोग यही करो, तो बिल्कुल यार, बेस्ट मैसेज बहुत यही ही सर। अच्छा मैसेज। मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगा यार, आप कोई से भी कोर्स में हो, कोई से भी ऑनलाइन कोर्स में हो, कोई से कोई भी से भी ऑफलाइन कोर्स कोचिंग में में हो, ट्रस्ट योर टीचर्स, अपने टीचर्स पे आप ट्रस्ट करो। वो इतने हाँ सर एक्सपीरियंस होते हैं कि आपको डेफिनेटली एक शानदार मार्क्स भी दिलाएंगे और एक शानदार गवर्नमेंट कॉलेज तक भी आपको पहुंचाएंगे। ट्रस्ट योर टीचर्स, यार आप अगर हमारे कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो हम पे ट्रस्ट करिए, आप कोई से और कोर्सेज में एनरोल्ड हो तो आप उनको ट्रस्ट करिए उस ना, पे ट्रस्ट करो ब्लाइंडली भाई। आप ट्रस्ट करिए सारे के सारे टीचर्स को। ऑल राइट, तो बहुत ही बड़ा थैंक यू शिवा दत्ता, बहुत यार अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत ही शानदार आपकी जर्नी होने वाली है आगे की। सो ऑल द वेरी बेस्ट हाँ फॉर सर, इट। होप सर, थैंक अपने यू ड्रीम सर, कॉलेज थैंक जाओ यू। यार, है जो फर्स्ट डे रहेगा उसका एक्सपीरियंस ही अलग रहेगा जब आप गवर्नमेंट कॉलेज में जाओगे। इतना यार आपने मेहनत यस करी है, सर, फर्स्ट ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप एंड देन थर्ड ड्रॉप, तो यू आर एन इंस्पिरेशन टू ऑल द स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग विद अस, थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू सर।